बीच जालौन से एक बड़ी खबर आ रही है। जालौन से खबर है, पान मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी। एससी के रोक के बावजूद बेचा जा रहा था तंबाकू मिश्रित पान मसाला। कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद हुई है ये छापेमारी। राजगुटका के नाम से बनाया जा रहा था तंबाकू मिश्रित गुटका। मामले की जांच में जुटे हैं उच्चालाधिकारी। उरई कोतवाली क्षेत्र के तुलसी नगर में छापेमारी की गई है। मकान में बाहर से ताला डालकर बनाया जा रहा था पान मसाला। इस वक्त की खबर, पान मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी की गई है। जालौन से खबर है, पान मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी। बताया जा रहा है एससी के रोक के बावजूद बेचा जा रहा था तंबाकू मिश्रित पान मसाला। और कई दिनों से मिल रही थी शिकायतों के बाद की गई ये छापेमारी। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता माजिद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ माजिद अरबान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस छापेमारी के संबंध में? जी बिल्कुल, बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो अवैध तंबाकू मिश्रित मसाला जो जालौन में बन रहा था, हालांकि जालौन पिछले कई वर्षों से तंबाकू के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे गुटके का कारोबार होता है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे मसाला बनता है, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो तंबाकू मिश्रित पान मसाला जो यहाँ पे बनाया जा रहा था, जिसके रोक है जिस पर, उसको लगातार यहाँ पे बनाया जा रहा था और पिछले कई दिनों से लगातार इसकी शिकायत खाद्य विभाग को मिल रही थी, जिसको आज सूचना सटी सूचना पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जाके वहाँ पर दावत और तरीके से छापेमारी की, जिसमें काफी तादाद में उनको जो है तंबाकू मिश्रित मसाला मिला और पाउच मिले उसके, और भारी तादाद में उनकी जो बोरी जो मसाला कच्चा मसाला होता है वो उनमें पाया गया है, और जो कारीगर थे उनके जो मजदूर थे जो काम कर रहे थे अंदर, उनको भी वहां पर जो काफी अंदर रखा गया था। और सही बात तो ये बताई जाए कि कितने दिनों से इन लोगों को जो है शिकायत जो इनकी मिल रही थी, उसके कार्रवाई के लिए यहाँ के पत्रकार भी लगातार लगे हुए थे कि इस तरीके से जो मसाला बन रहा है नाजायज है, इसको बंद किया, लेकिन अभी तक कार्रवाई ऐसी नहीं की। हालांकि ये आला अधिकारियों का एक एक्शन था जिन्होंने दावत और तरीके से जो कार्रवाई की थी। जी माजी जी बिल्कुल, तो इतनी सारी शिकायतों के बाद भी इतनी देरी क्यों हुई यहाँ पे? देखिए कहीं ना कहीं पहले कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहता है कि इन लोगों के अड्डे जो होते हैं हमेशा जो है कभी कभी एक मोहल्ले बनाते हैं, तो कभी जब ज्यादा यहाँ जब पॉपुलर हो जाता है मोहल्ला तो उसको चेंज कर देते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, और जो गुटके बनाने के जो इनके घर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि दूसरे आदमी को उसको भनक तक भी नहीं पड़ती कि यहाँ पर मसाला बन रहा है। हालांकि खाद्य विभाग का जो है टीम लगातार इन पे प्रयास से लगी हुई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पा रहा था कि मसाला किस मोहल्ले में और कहाँ बन रहा है, लेकिन अब जब सटी सूचना उनको मिली तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की। जी माजी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माजी जी ने बताया तमाम मामले पे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जालौन पान मसाले की फैक्ट्री पकड़ी गई है जहाँ पर एक मिश्रित पान मसाला गुटका तैयार किया जा रहा था।